आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना डिजिटल चैनल उत्तराखंड लाइव न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए आपको दिखाते हैं कौन सी रही अभी तक की वो बड़ी खबर जो आपके लिए जानना है जरूरी। पूरे उत्तराखंड में कोविड-19 लागू है, इसके बावजूद भी आम लोग बेवजह घरों से बाहर निकल रहे हैं और इसका उदाहरण देहरादून के एक घंटा घर पर देखने को मिल रहा है, जहां कोविड कर्फ्यू लागू होने के बाद भी लोग बेवजह कोविड कर्फ्यू का उल्लंघन करते हुए घरों से बाहर निकल रहे हैं। पुलिस जब ऐसे लोगों पर कार्रवाई कर रही है और गाड़ी सीज, चालान कटने पर लोग आपत्ति भी दर्ज कर रहे हैं, जबकि लोगों को ये अच्छी तरीके से मालूम है कि देहरादून में कोविड कर्फ्यू लागू है। कल भी एक कार सवार युवती ने घंटाघर पर हाई वोल्टेज ड्रामा गाड़ी सीज होने के बाद किया था, तो वहीं आज एक स्कूटी सवार युवती ने बेवजह घर से बाहर निकलने पर जो कि कर्फ्यू का उल्लंघन है और पुलिस ने स्कूटी सीज कर दी, तो युवती पुलिस पर ही भड़क उठी, अनाप शनाप कहने लगी। पुलिस ने जब ये पूछा कि वो क्यों कोविड कर्फ्यू का उल्लंघन कर रही है, तो युवती ने जवाब दिया कि वो फोन का लॉक खुलवाने के लिए घर से निकली है, जबकि युवती को ये मालूम होना चाहिए था कि फोन की दुकानें भी कोविड कर्फ्यू में बंद है। हालांकि पुलिस ने युवती की गाड़ी सीज कर दी, लेकिन ये उन लोगों के लिए भी सबक है जो बेवजह कर्फ्यू का उल्लंघन कर रहे हैं और बेवजह घरों से बाहर निकल रहे हैं। उत्तराखंड लाइव न्यूज के लिए देहरादून से राकेश की रिपोर्ट। बहुत ज्यादा बच्चे अरे थोड़ी रहे कहाँ जा रहे हो? अपना कहाँ जा रहे? घूमने जा रहे कहीं? किसी मार्केट की दुकान पे जा रहे? कहाँ जा रहे? अपना फोन का लॉक खुलाने जा रहे? अगर हम काम नहीं करेंगे तो कम बोल रहे हो? चलने बैठ गए हम पे आप गाड़ी की चाबी ले रहे हो? मैंने मेरे सर को बताया था कि आप घूमने जा रहे हो। एक तो कर्फ्यू का उल्लंघन कर रहे हो, कर रहे हो, आप लोग रक्षा करने के लिए। अभी तक के लिए बस इतना ही काफी। बने रहिए उत्तराखंड लाइव न्यूज पर।